टैली प्राइम में एक खास फीचर है, अब देखिए वो फीचर है क्या। जैसे आप क्रिएट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है ये, ठीक है, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, लिस्ट ऑफ मास्टर है, ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, और ये सब स्टेटरी मास्टर्स और स्टेटरी डिटेल्स ये सब दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ ये इस तरीके से दिखाई देने लगा, दिखाई दे रहा है। अब शो इनएक्टिव दिया हुआ है तो इस पे क्लिक कर दो तो शो इनएक्टिव पे क्लिक करेगा, ये सब इनएक्टिव है, ये दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री माने होता है जो भी स्टॉक आइटम से संबंधित डिटेल है वो इन्वेंट्री में आता है, तो इसको ऑफ किया गया है। ये ऑन कैसे होगा, F11 की प्रेस करोगी, अब जैसे पहले यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, यहाँ से बाहर आ गई, अब यहाँ से F11 की प्रेस कर दो, कर दिया। अभी देखो ना इन्वेंट्री वाला पूरा डिटेल ये ऑफ है, ये देख रही हो, कहीं पे भी क्लिक नहीं हो पा रहा है, खाली ऊपर वाला होगा। इसको यस कर देंगे तो सब पे क्लिक होगा, नो रहेगा तो एकदम ये हाईलाइट नहीं होगा, देखो कहीं हाईलाइट हो रहा है, क्लिक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको यस कर देना है, जैसे ही यस करेंगी तो ये पूरा जो है सब एकदम फिर आ जाएगा, इन्वेंट्री वाला आ जाएगा जो वहां पर नहीं दिख रहा था शुरुआत में जो हमने ओपन किया था। देखो यहाँ से हम क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे जो शुरुआत में ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब ये हाईलाइट होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से इन्वेंट्री को ओपन किया जाता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, स्टॉक आइटम पे चलेंगे, ये आ गया स्टॉक आइटम पर, एक ठो स्टॉक आइटम बना लो, माउस पहले से बना नहीं ना, एंटर करूंगी बना हुआ है, कोई दूसरा लिखो, मस्टर्ड ऑयल MU, अरे डायरेक्ट टाइप करो तो MU, ये हो गया मस्टर्ड ऑयल, एंटर करो। ई नंबर में तो बिकेगा नहीं मस्टर्ड ऑयल, तो लीटर में बिकेगा, तो यहाँ पे LTR बना लो, सिंबल रख दो LTR, एंटर करो। यहाँ फॉर्मल नेम LITRE, एंटर करो। यहाँ लिखो किलो, मिलीलीटर लिखो, मिलीलीटर किलोलीटर जो भी लिखना है, तो देखो ये मिलीलीटर आ गया, एंटर करो। यहाँ पे तीन रख दो, तीन रखने का कारण जानती हो ना, ठीक है, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, बस यहीं पर रुको। इसका क्या मतलब है ये समझ में आता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि स्टॉक आपके पास कितना मौजूद है वो यहां से देखा जा सकता है। आप यहां पे डाल देंगी तो देख सकती हैं कि कितना स्टॉक आपके पास है, जैसे मान लो 10 लीटर कर दो, यहां पे 10 लिख दो, केवल 10 लिख दिया, एंटर करो। और रेट क्या डालेंगे, अभी इस समय बड़ा महंगा चल रहा है, 200 रुपया लीटर कर दो, तो मोदी जी फ्री में रिफाइंड बांट रहे हैं, सब वो मांग रहे हैं, एंटर करो, 2000 रुपया हो गया। अब यहां से बाहर आ जाओ, यहां से अल्टर पे जाओ, एंटर करो, स्टॉक आइटम पे जाओ, एंटर करो, कौन सा स्टॉक आइटम अभी हमने बनाया था, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल पे जाओ, एंटर करो। देखो यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा, ये सिर्फ आपके देखने के लिए कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टॉक का, ये यहां से पता आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके स्टॉक में आ गया, अब आपको दोबारा एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप खरीद के लाते हैं अपने दुकान पर तो आपको परचेज में पहली एंट्री पास करनी होगी, फिर बेचेंगे तो सेल्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये आपको डालना पड़ेगा। लेकिन यहां से आपको ओपनिंग बैलेंस का अंदाजा लग जाएगा कि आपके पास कितना है, इसीलिए यहां पर ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है, ठीक है।